फ्रेंड्स, आजकल की दुनिया में बच्चों को नो का मतलब नहीं पता है। व्हाट इज नो? उनको सिर्फ यस का पता है कि हाँ, ये भी ठीक है, ये भी मिलेगी, वो भी मिलेगी, बट नो का ये मतलब नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि पेरेंट्स जो हैं, उनको एक से बढ़कर एक चीज लाकर देते हैं। बड़े से बड़े अच्छे स्कूल में डालते हैं, जैसे और बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत कुछ देते हैं, तो दूसरे पेरेंट्स कहते हैं मैं इससे भी बढ़कर दूंगा। तो अपने बच्चों को हर फैसिलिटी देते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो बच्चों को नहीं लाकर देना चाहते। बच्चा एक चीज मांगे तो 10 चीजें लाकर देते हैं। हर महीने बच्चों की ड्रेसेस लाते हैं। और ऐसा क्यों है? तो इससे क्या हो गया है कि बच्चों को नो का मतलब नहीं पता, उन्हें विटामिन एन की कमी हो गई है, नो की कमी हो गई है। दे डोंट नो हाउ टू अडेप्ट विद नो। अगर कोई नो कह दे तो क्या करना है? तो कहते हैं, पेरेंट्स को कहा गया है कि डोंट गिव देम व्हाट यू हैव, जो आपके पास है वो इतना मत दो बच्चों को। गिव देम व्हाट यू वर, जो आप थे ना उस अपने समय में, वो उनको दो। सोचो कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे पाला था। क्या हमें इतनी सारी फैसिलिटीज दी थी? क्या हमें कभी नो नहीं कही थी? जब हम बच्चों को नो कहनी सिखाई नहीं है, तो बच्चों की इमोशनल इम्यूनिटी जो है वीक हो जाती है, वो इमोशनली वीक हो जाते हैं। सामने वाला उसको अगर अगर कभी जिंदगी में उसको नो सुननी पड़ेगी, तो वो उनको पता ही नहीं होगा ये नो क्या होती है। हमने तो यस यस सुना है, हमें तो सबने हमने एक चीज मांगी, 10 चीजें हमें मिली, जैसा हमने कहा वैसा किया। अब ये नो कहाँ से आ गया? ये नो पता कब पता चलेगा? जब बच्चे 20-22 साल में जब जॉब के लिए बाहर निकलेंगे, तो फिर उनको नो भी सुननी मिलेगी। फिर उनको पता नहीं चलेगा कि जीवन में कैसे डे, फिर वो करेंगे कि हमने नहीं ये जॉब करनी, मतलब वो क्विट करना चाहते हैं, नो नहीं सुनना चाहते। तभी तो कहते हैं कोई पर्सन से बात नहीं होती, आई डोंट वॉन्ट टू लाइक दिस पर्सन, आई डोंट वॉन्ट टू लिव दिस पर्सन। क्यों? क्योंकि उन्होंने नो कभी सुनी नहीं। यानी कि जो चीज अगर आपके अनुसार है, देन यू आर हैप्पी। अगर आपके अनुसार वो कोई भी चीज नहीं है, पीपल एंड सिचुएशन अगर दोनों ही आपके अनुसार नहीं है, देन यू आर नॉट हैप्पी। तो ये सब चीजें जो हैं, हमने हमें बचपन से सिखानी चाहिए। हम चलते हैं अपने बचपन की तरफ। क्या हमारे पेरेंट्स हमें इस तरह से पाला था? क्या हमें कभी नो नहीं कही थी? आजकल बच्चों की गलती के लिए भी उनको नो नहीं कहते, डर जाते हैं कहीं कि इनको कुछ हो ना जाए, ये डिप्रेशन में ना चले जाए, स्ट्रेस में ना चले जाए। यानी कि उनकी गलती बताने से भी पेरेंट्स जो है कई बार सोचना पड़ता है, उनको बड़े तरीके अपनाने पड़ते हैं। बच्चे को खाना खिलाना होता है तो कितनी चीजें पूछते हैं, क्या खाएगा? अच्छा वो डोसा खाएगा, इडली खाएगा, अच्छा आलू का परांठा बना दूं, कौन सा बनाऊं, जो ब्रेड जाम बना दूं। फिर बच्चे को इतनी सारी चॉइसेस देते हैं, फिर बच्चा एक सिलेक्ट करता है और वो भी थोड़ी सी खा के छोड़ देता है। क्या हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी ऑप्शंस दी थी? कहते हैं कि बच्चे को सिर्फ जो उसके लिए उचित है ना, वो बनाकर दो। बच्चे को बचपन से ही सिखाओ ऐसी चीजें खाना। टेबल पर एक चीज रखो, उसको बोलो कि ये खानी है। बच्चे को आदत डालो। बच्चा एक एक बार नहीं खाएगा, 1 घंटा नहीं खाएगा, 2 घंटा, 3रे घंटे उसको भूख लगेगी तो वो वही खाना खाएगा। ऐसा क्यों है? कई बार ऐसे कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं बच्चे से पूछ लो जी बच्चे को क्या खाना है। ये ठीक है, डॉक्टर भी अपनी जगह राइट होंगे, ये नहीं है कह सकते, लेकिन ये देखो ना, हर एक चीज बच्चे से ही पूछ कर करो, तो जीवन में बिन पूछे भी उसके पास बहुत कुछ आने वाला है। फिर वो क्या करेगा? हर एक चीज तो उसको पूछ कर ही होती है। खाना भी उसको पूछ कर, कपड़े भी उसको पूछ कर, कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, कौन सा सूट पहनना है, पजामी पहननी है, फ्रॉक पहननी है, या कौन सा खाना खाना है, या कौन सी चीज खानी है। इतनी सारी ऑप्शंस बच्चे को मिल रही हैं, 20 साल तक तो उसे मिलती रही। जब बाहर की दुनिया में जाएगा, लोगों से मिलेगा, तो
तो वहां कौन इसको ऑप्शन देगा? हम खुद बच्चे को इमोशनली वीक कर रहे हैं। ये डॉक्टर ही कहते हैं बच्चे से पूछकर बनाओ जी क्या खाना उसने, तो ठीक है आज तो बच्चे को बड़ा अपने पसंद के अनुसार चॉइस है, जितना फिर भी बच्चे को पूछते जाओ ना फिर भी वो नाक से कोटते हैं, हमने ये भी नहीं खाना, हमने वो भी नहीं खाना। और कई बार तो ऐसा होता है कि मदर खाना बनाते बनाते सोचती है बना तो रही हूं लेकिन मुझे पता है ये खाएगा नहीं, उसको पहले ही वाइब्रेशन दे देती है। खाने में अच्छी वाइब्रेशन डालो कि मेरा बच्चा जरूर खाने वाला है और हम मिलकर खाएंगे, वो बहुत खुश होकर खाने वाला है। ये नहीं है खाएगा, बोले खा रहा है, बहुत खुश होकर खा रहा है। प्रेजेंट में बोलनी है, जितनी भी अफर्मेशंस क्रिएट करनी है आपको बार बार को बोला है प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। तो हमने अपनी लाइफ में नो सुना और बच्चों ने ये नो नहीं सुना है, इसलिए वो इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। तो इसलिए बोला है कि बच्चे को थोड़ी सी नो की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आगे की लाइफ जो है वो बाहर की दुनिया में बड़ी तरह की नो सुनने को मिलती है, जॉब में भी सुननी पड़ती है और मैरिड लाइफ में भी सुननी पड़ती है, तभी तो आजकल के बच्चे जो है एडजस्ट नहीं कर पाते अपनी फैमिली लाइफ के साथ। वो झट से कह देते हैं हमने नहीं रहना इसके साथ, जरा भी एडजस्टमेंट नहीं करनी आती। हमने अपने जमाने में कितनी एडजस्टमेंट की है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें इस तरह के हालात में रखा कि हम हर सिचुएशन को क्रॉस कर सके, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी आ जाए तो उसको क्रॉस कर सके, ये ना हो कि सिचुएशन से क्विट कर दे। क्विट इज नॉट द ऑप्शन, क्विट नहीं करना उस सिचुएशन से, उसको क्रॉस करना है और ब्रेवली क्रॉस करना है। तो हर काम जो है बच्चे को अगर आप नो कहना नहीं सिखाएंगे तो बच्चे को विटामिन एन की कमी हो जाएगी और आगे की लाइफ जो है उसकी डिफिकल्ट भी हो सकती है। इसलिए बेटर ये है कि बच्चे को नो का भी समझ होनी चाहिए, नो की भी बड़ी वैल्यू है। इसलिए फ्रेंड्स आप भी अगर अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं या आपके किसी रिलेटिव में कोई ऐसा बच्चा है जो जिद करता है या कुछ करता है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और फ्रेंड्स आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ कहें। शुक्रिया फ्रेंड्स।